वेलकम टू साइबर अवेयर हब। इस वीडियो में हम OSI मॉडल और इसकी सभी लेयर के बारे में जानेंगे और हर लेयर में कौन से साइबर अटैक परफॉर्म होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल की 7 लेयर होती है और प्रत्येक लेयर का अलग अलग काम होता है। ये लेयर्स है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हम इन लेयर्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। OSI मॉडल के अनुसार फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है और डेटा को बिट में बदला जाता है, इसलिए इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। इस लेयर में वायरलेस कोएक्सियल या फाइबर केबल का उपयोग होता है। इस लेयर पर स्निफिंग साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर कर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेटों को डिकोड और एनकोड किया जाता है, तथा यह लेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैकेट्स में कोई एरर ना हो। डेटा लिंक लेयर का मेन काम नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेना और उन्हें फ्रेम्स में एनकैप्सुलेट करना है। इस लेयर में डेटा पैकेट को फ्रेम कहा जाता है। डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट, HDLC, पॉइंट टू पॉइंट जैसे प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। इस लेयर में मैक एड्रेस स्पूफिंग, ARP स्पूफिंग अटैक परफॉर्म किया जाता है। थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। इस लेयर में स्विचिंग और रूटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस लेयर का काम डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करना होता है, जिससे डेटा सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक आसानी से पहुंच सके। इस लेयर में IPsec, ICMP, ARP जैसे प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। इस लेयर पर मैन इन द मिडल अटैक, IP स्पूफिंग जैसे साइबर अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का इस्तेमाल डेटा को नेटवर्क के बीच सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर यह भी सुनिश्चित करती है कि हमने जिस क्रम में डेटा भेजा है वह हमें उसी क्रम में प्राप्त हुआ है। इस लेयर का काम दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना भी है। ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है। यह लेयर दो प्रकार की सर्विस प्रदान करता है, पहली कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी कनेक्शन लेस। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रमुख प्रोटोकॉल्स TCP एंड UDP, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड और UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल हैं। इस लेयर पर TCP/UDP फ्लडिंग साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है। फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर। यह लेयर दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट ओपन करता है तो यूजर के कंप्यूटर तथा वेबसाइट के सर्वर के बीच एक सेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मेन काम सेशन को एस्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करना है। इस लेयर पर सेशन हाईजैकिंग साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है। सिक्स्थ लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर निर्धारित करता है कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। इस लेयर का यूज डेटा का एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन करने के लिए किया जाता है। इस लेयर में IMAP, SSL और SSH आदि प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इस लेयर पर एनक्रिप्शन अटैक लाइक ब्रूट फोर्स साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है। सेवेंथ लेयर है एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर का मेन काम एक्चुअल एप्लीकेशन और अन्य लेयर्स के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड कराना है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीक होती है। यह एंड यूजर्स को नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करती है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP आदि प्रोटोकॉल आते हैं। इस लेयर पर सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज का एडवांटेज लेकर एक्सप्लॉइट लाइक SQL इंजेक्शन, फिशिंग अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।